बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो स्टाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने बात की थी क्लस्टरिंग को डिफरेंट एंगल से, हमने देखा, हमने इसका प्रैक्टिकल करके देखा यूजिंग वेका। वेका में हमने क्लस्टरिंग जो है वो बना के देखे डिफरेंट क्लस्टर्स, डिफरेंट डेटा सेट्स को लेके। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्लस्टर की टाइप्स के ऊपर। हमारे पास काफी सारी टाइप्स हैं इसकी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें तो डेंसिटी बेस पे क्लस्टरिंग है, उसके बाद हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, उसके अलावा पार्टिशनिंग की क्लस्टरिंग है, फजी क्लस्टरिंग है। तो डिफरेंट क्लस्टरिंग को हम इस लेक्चर में जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम अगर इसे ब्रॉड सेंस में देखें तो हमारे पास क्लस्टरिंग की दो बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम हार्ड क्लस्टरिंग कहते हैं और दूसरे को हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने हार्ड क्लस्टरिंग और सॉफ्ट क्लस्टरिंग को मेंशन नहीं किया क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ी थी, इसलिए मैंने कहा चले आपको वैसे बता देता हूँ। इन अ ब्रॉड सेंस हमारे पास दो किस्म की क्लस्टरिंग है, एक को हार्ड क्लस्टरिंग कहा जाता है और दूसरे को सॉफ्ट क्लस्टरिंग कहा जाता है। हार्ड क्लस्टरिंग ऐसी क्लस्टरिंग है जिसमें कोई भी डाटा पॉइंट जो है हमारा वो सिर्फ एक ही क्लस्टर का हिस्सा हो सकता है, जबकि सॉफ्ट क्लस्टरिंग ऐसी क्लस्टरिंग है जिसमें एक डाटा पॉइंट जो है वो एक से ज्यादा जो क्लस्टर्स हैं हमारे पास उनका हिस्सा हो सकता है। जिस तरह मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, ये देखिए हमने कुछ सर्कल्स बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्टार बना लेते हैं, इस तरह से जो है वो स्टार बना लिए हमने और कुछ जो है वो यहाँ पे हमने क्या बना लिए, सर्कल बना लिए। अब हम अगर इसकी क्लस्टरिंग करें तो ये देखें, ये हमारे पास दो क्लस्टर्स बनेंगे, एक तो ये क्लस्टर बन जाएगा जो सर्कल्स वाला क्लस्टर होगा और दूसरे डेटा पॉइंट्स में हमारे पास वो कौन से होंगे, ये देखें स्टार्स वाले, ये देखें एक हमारे पास ये वाला क्लस्टर बन जाएगा। ये दो क्लस्टर बन जाएंगे, दोनों को हमने क्लस्टरिंग की है, एक को हमने सर्कल्स को सेपरेटली एक ग्रुप बना दिया है और स्टार्स का सेपरेटली एक ग्रुप बना दिया। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये हार्ड क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल है। अगर हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग की बात करें तो उसके लिए लेट्स अस्सुम हम इधर सर्कल्स या स्टार्स को यहाँ पे अब नहीं देखते, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई एक जो हमारा डेटा पॉइंट है, ये देखें डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, ये कितने डेटा पॉइंट्स हैं, टोटल सिक्स डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एक जो हमारा जो डेटा पॉइंट है वो डिफरेंट क्लस्टर्स का भी हिस्सा हो सकता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला जो है हमने एक क्लस्टर बना लिया फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अस्सुम, और दूसरा क्लस्टर हमने यहाँ पे ये वाला बना दिया। अब इसमें ये वाला डेटा पॉइंट और ये वाला डेटा पॉइंट, ये दोनों जो है ये इसका भी हिस्सा है और इस क्लस्टर का भी हिस्सा है। तो ये वाली सॉफ्ट क्लस्टरिंग की एक एग्जांपल है, यानी कि एक डेटा पॉइंट जो है वो एक से ज्यादा ग्रुप्स का हिस्सा हो सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सॉफ्ट क्लस्टरिंग कहा जाता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हम इसकी टाइप को पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कौन सी है, वो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी क्लस्टरिंग है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग जो होती है वेयर क्लस्टर्स आर बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ डाटा पॉइंट्स, वेयर क्लस्टर्स आर बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ डाटा पॉइंट्स, द कंडेंस्ड डाटा पॉइंट्स इन द डाटा स्पेस आर कंसीडर्ड एज क्लस्टर्स व्हाइल द स्पर्स रीजंस आर कंसीडर्ड एज नॉइज और आउटलायर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेंसिटी बेस के, यहाँ पे हम उसकी डेंसिटी को चेक करेंगे। जो हमारे डेटा पॉइंट्स है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स बनाए थे, हमने क्या चेक करना है, हम उनकी डेंसिटी को चेक करना है कि वो कितने एक दूसरे के क्लोज हैं। जो अगर ज्यादा क्लोज होंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये क्लस्टर है। लेकिन अगर वो कुछ जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो साथ साथ हैं और कुछ जो है वो दूर हैं, तो डेफिनेटली हम जो दूर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे या आउटलायर्स कहेंगे। आउटलायर्स क्या होते हैं, बहुत मिनिमम वैल्यू या बहुत मैक्सिमम वैल्यू, जो हमारा एक्चुअल जो चल रही है, हमारी वैल्यूज चल रही हैं उससे बहुत ज्यादा, यानी कि उससे या तो बहुत कम होगा या फिर उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर एग्जांपल लेता हूं हमारा, ये देखें यहाँ पे ये क्लस्टर है एक बना हुआ इधर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लस्टर है हमारे, दो तीन क्लस्टर बने, एक ये क्लस्टर बन गया, एक ये वाला क्लस्टर बन गया। एक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके आ रही है, देखिए यहाँ पे आ जाती है एक वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे जाके आ रही है। अब ये वाले तो आपस में करीब करीब है, इन्हें तो हमने कह दिया कि डेंसिटी बेस, इस तरह से हमने देख लिया कि भाई ये करीब करीब है तो हमने इसका एक क्लस्टर बना लिया। लेकिन ये वाले जो क्लस्टर है, ये देखें इसके साथ मिल नहीं रहे, यहाँ पे बहुत दूर है इससे, और ये वाला अगर पॉइंट मिलाना हो तब भी ये बहुत ज्यादा दूर है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, डेंसिटी जो है वो स्पर्स है, यानी कि बहुत फासले पे है। तो ये हम इसे क्या कहते हैं, आउटलायर्स, यानी कि बहुत मिनिमम वैल्यू, जो ये वाली वैल्यूज है हमारी, ये तो क्लस्टर बन गए लेकिन ये वाली वैल्यू मैच नहीं कर रही हमारी इन वैल्यूज के साथ, या तो ये इसे बहुत मिनिमम होगी या फिर बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो एक दफा दोबारा इधर मैं रिवाइज कर देता हूँ ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग को, कि वेयर क्लस्टर्स आर बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स। डेंसिटी क्या कहते हैं कि भी कितने एक दूसरे के क्लोज है, कितने एक दूसरे के करीब है, जो अगर करीब होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, कंडेंस्ड डेटा पॉइंट्स होंगे। अगर वो एक दूसरे के करीब, डेफिनेटली ये डेटा पॉइंट्स सारे के सारे
अगर ये करीब होंगे तो हमें नहीं कहेंगे कंडेंस डाटा पॉइंट, यानी कि ये क्लस्टर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन दी डाटा स्पेस आर कंसिडर्ड एज क्लस्टर, तो हम इन्हें क्लस्टर्स का नाम दे देंगे जो कंडेंस होंगे, जो एक दूसरे के करीब होंगे। व्हाइल डिस्पर्स रीजंस आर कंसिडर्ड एज नॉइज, जबकि जो दूर दराज होंगे जो पॉइंट्स रह जाएंगे उन्हें हम नॉइज या फिर आउटलाइंस कह देंगे। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी है हमारे पास डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग को जो है स्टडी कर रहे हैं तो हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीबी स्कैन है। डीबी स्कैन का मतलब है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज, तो ये डीबी स्कैन का एब्रीवेशन है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। ये क्या कहती है, इट ग्रुप्स डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिक, तो डिस्टेंस आपस में एक दूसरे का जो है वो डिस्टेंस को जो है ये मेजर करता है, एंड क्राइटेरियन फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये किसे, एक तो सबसे पहले क्या करता है, ये उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे मेजर करता है, और उसके अलावा ये क्या क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है, मिनिमम नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स के, कितने डाटा पॉइंट्स जो मिनिमम हो सकते हैं क्लस्टर को बनाने के लिए। टू पैरामीटर्स आर देयर, एक पैरामीटर हमारे पास ईपीएस है और दूसरा कौन सा है मिनिमम। ईपीएस क्या कहता है, ईपीएस कहता है क्लोजनेस ऑफ डाटा पॉइंट्स टू कंसीडर एज नेबर्स, कि भाई डाटा पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से करीब हैं जो कि आपस में जिन्हें हम नेबर कंसीडर कर सकते हैं, जिन्हें हम एक क्लस्टर में ला सकते हैं। तो ईपीएस वो वाला हमारे पास पैरामीटर होगा जो ये डिफाइन करेगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला अगर एक हमारे पास डाटा पॉइंट है, इसके नियरेस्ट जो नेबर है जिसके साथ इसकी क्लस्टरिंग की जा सकती है वो कौन सा है। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास मिनिमम की एक पैरामीटर होगा, ये क्या कहता है, मिनिमम पॉइंट्स टू कंसीडर रीजन एज डेंस। तो यहाँ पे जो मिनिमम है ये जो है ये डिसाइड करेगा, इसने तो सिंपली एक को नेबर कंसीडर कर लिया, हर एक पे अलग-अलग से ईपीएस अप्लाई होगा। ये अगर हमारे पास यहाँ भी ईपीएस को अप्लाई करेंगे तो ये देखेगा कि ये इसका नेबर है, ये वाला नेबर है, और ये मिनिमम जो है एज अ होल देखेगा कि भाई कौन सा रीजन है जिसे हम डेंस कह सकते हैं और हम उसे क्लस्टर की शक्ल दे सकते हैं। तो ये दो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स को डिस्कस किया, एक ईपीएस और दूसरा कौन सा है मिनिमम है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ऑप्टिक्स की, ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर, इसकी एब्रीवेशन है ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर, एड्रेसेस ड्रॉबैक ऑफ प्रीवियस एल्गोरिदम दैट इज इनएबिलिटी टू फॉर्म क्लस्टर्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेंसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा पिछला था, यहाँ पे डीबी स्कैन है, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर तो डेंस, बहुत ज्यादा डेंस जो है वो डेटा पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली वो तो उसके क्लस्टर बना देगा, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा सा सेपरेटेड होंगे तो फिर वहां पे हमारा ये जो है डीबी स्कैन है वहां पे ये प्रॉपर काम नहीं करता। वहां पे हमारा कौन सा काम करेगा, ऑप्टिक्स काम करेगा। ये क्या करता है कि भाई क्लस्टर फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेंसिटी, यहाँ पे दो हमारे पास जो है वो पॉइंट होते हैं, एक कोर डिस्टेंस का होता है और दूसरा रीचेबिलिटी डिस्टेंस का होता है। कोर डिस्टेंस जो है वो क्या, कोर डिस्टेंस जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है फॉर टू डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट दो जो डेटा पॉइंट्स है हमारे पास उनमें मिनिमम वैल्यू जो है वो डिफाइन कर देता है, कौन सा कोर जो है, कोर डिस्टेंस जो इसका पैरामीटर है वो डिफाइन कर देता है कि इनमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जबकि जो हमारा रीचेबिलिटी डिस्टेंस है ये उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो हमें जो है वो आइडेंटिफाई करता है। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे एचडीबी स्कैन की। ये एचडीबी स्कैन जो है ये भी डेंसिटी बेस्ड जो है वो क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल है। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में हमने पहले जो है वो डीबी स्कैन की बात की थी और उसके बाद फिर हमने ऑप्टिक्स की बात की, लेकिन ये एक जो एग्जाम्पल है वो अभी रहती थी तो मैंने अब ये दोबारा लिख लिया है। ये एचडीबी स्कैन है, एचडीबी स्कैन ये बेसिकली किसका एब्रीवेशन है, हायरार्किकल डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। तो ये असल में एचडीबी स्कैन जो है उसकी एक्सटेंशन ही है। बात ये है कि इट एक्सटेंड्स डीबी स्कैन टू कन्वर्ट इट टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये ऐसा एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है कि भाई ये जो हमारा डीबी स्कैन जो पिछला हमने इसकी एग्जांपल देखी है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये बिल्कुल उसके करीब चला जाता है, जिस तरह से हमारी हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। तो इसके बाद हम डेफिनेटली हायरार्किकल क्लस्टरिंग को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम उसे डिस्कस करेंगे तो आपको इसका भी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से हायरार्किकल क्लस्टरिंग की तरफ जा रहा है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग किसे कहा जाता है, एग्लोमेरेटिव और बॉटम अप अप्रोच। इसे एग्लोमेरेटिव भी कहा जाता है या फिर इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है। डिवाइड्स दी क्लस्टर्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिक, ये क्या करता है, ये क्लस्टर्स को डिस्टेंस की बेस पे जो है वो डिवाइड कर देता है। डिफरेंट जो है हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं, ये दो अप्रोचेस होती हैं, एक डिवाइसिव होती है और दूसरी एग्लोमेरेटिव होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। काम किस तरह से करती है हम अभी देख लेते हैं।
इनिशियली ईच डाटा पॉइंट एक्स एज अ क्लस्टर। तो ये हम किसकी बात अभी करने के लिए जा रहे हैं, अभी एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की बात करने के लिए जा रहे हैं। इनिशियली ईच डाटा पॉइंट एक्स एज अ क्लस्टर, देन ग्रुप क्लस्टर्स वन बाय वन इन एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। ये क्या कह रहा है कि भाई हम जो इनिशियली जो है जितने भी डाटा पॉइंट्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा पॉइंट है, ये डाटा पॉइंट है, ये भी डाटा पॉइंट है, एक यहाँ पे डाटा पॉइंट है, ये डाटा पॉइंट है, ये हमारे पास टोटल फाइव डाटा पॉइंट्स है। क्या होता है, इनिशियली हर एक जो हमारे पास डाटा पॉइंट है उसे क्लस्टर जो है वो जो है अज्यूम कर लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है डिस्टेंस मैट्रिक की बेस पे कि इसके करीब कौन है। अगर फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले इसे पकड़ता है, वो देखता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसके करीब है, इसका इस क्लस्टर में मिला दिया। फिर इसे देखा ये भी इसके करीब है, इसे भी इस क्लस्टर में मिला दिया। ये देखा कि भाई इससे ज्यादा दूर है, क्योंकि ये वाला जो हमारा डेटा पॉइंट है इसे भी इनिशियली वो एक क्लस्टर समझेगा, और देखेगा कि ये वाला पॉइंट इसके करीब है तो इसे इस क्लस्टर में जो है वो कंबाइन कर लेगा, यानी कि मिला लेगा, इकट्ठा जो है वो करके क्लस्टरिंग कर देगा। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि भी इनिशियली शुरू में जितने भी डाटा पॉइंट्स होते हैं हर एक को हम एक अलहदा से क्लस्टर कह लेते हैं, और फिर डिस्टेंस मैट्रिक की बेस पे जो उसके करीब करीब क्लस्टर होते हैं उन्हें आपस में साथ मिलाते रहते हैं। जबकि डिवाइसिव जो हमारी सेकंड अप्रोच है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो क्या कहती है, व्हाइल इन डिवाइसिव ऑल डाटा पॉइंट्स आर ग्रुप्ड एज सिंगल क्लस्टर। तो सारे के सारे जो हमारे डाटा पॉइंट्स है इनिशियली इसमें क्या किया जाता है, हर एक को डाटा क्लस्टर नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि सारे डाटा पॉइंट्स को मिला के क्लस्टर बना लिया जाता है। फिर इसके बाद इन्हें स्प्लिट करते रहते हैं, इसे सेपरेट करते रहते हैं, और जो भी एंड पे हमारे पास बच जाता है वो हमारे क्लस्टर्स होते हैं। क्या किस तरह से काम करता है, डिवाइसिव ऑल डाटा पॉइंट्स आर ग्रुप्ड एज अ सिंगल क्लस्टर एंड देन स्प्लिट इट वन बाय वन बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिक। तो डिस्टेंस मैट्रिक की बेस पे उन्हें स्प्लिट करते रहते हैं ऑफ लिंकेज। किस तरह से काम करता है, ये लिंकेज की बेस पे काम करता है। लिंकेज क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ लिंकेज है, सिंगल लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है और एवरेज लिंकेज है। सिंगल लिंकेज कहा जाता है कि जिसमें हम मिनिमम डिफरेंस जो है वो देखते हैं कि दोनों में डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस जो है। इसके बाद कंप्लीट लिंकेज में हम मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो देखते हैं, और एवरेज लिंकेज में हम तमाम जो डाटा पॉइंट्स है हमारे पास उनका जो दरमियान डिस्टेंस है उसका एवरेज निकाल के फिर उन एवरेज की बेस पे हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट सिंगल लिंकेज टेक्निक या कंप्लीट लिंकेज टेक्निक या फिर एवरेज लिंकेज टेक्निक जो है इसकी बेस पे हम डिस्टेंस मैट्रिक जो है हमारा काम करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, फजी क्लस्टरिंग। फजी क्लस्टरिंग क्या कहती है, असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स इज नॉट डिसाइसिव। यहाँ पे फजी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये इसके करीब है इसे भी इस क्लस्टर में शामिल कर दो, ये करीब है इसमें भी इस क्लस्टर में शामिल कर दो, यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, सिंपली प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि भाई हर डाटा पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि भाई वो दूसरे डाटा पॉइंट से जो है उसके क्लस्टर में आने का कितने चांसेस हैं उसके। हम इसे पढ़ते हैं एक दफा, असाइनमेंट ऑफ डाटा पॉइंट्स इज नॉट डिसाइसिव, इट आउटपुट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉइंट टू बी मेंबर ऑफ ईच क्लस्टर। तो इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है कि भाई ये डाटा पॉइंट जो है इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ क्लस्टरिंग कर सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इसके साथ क्लस्टरिंग कर देता है। तो इसकी आउटपुट जो होती है वो हमें यही होती है, प्रोबेबिलिटी हमें ये दे देता है। ये डिसाइड नहीं करता, फाइनल डिसीजन लेता ही नहीं है कि भाई इसे किस क्लस्टर में हमने लेके आना है। इसके बाद है इट इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग। सॉफ्ट क्लस्टरिंग की एक किस्म है, सॉफ्ट क्लस्टरिंग कहा जाता है कि भाई एक डाटा पॉइंट जो है वो एक से ज्यादा क्लस्टर का हिस्सा हो सकता है। एंड सी मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, इसमें सी मीन्स जिस तरह के मीन है हमारे पास, इस तरह से सी मीन हमारे पास एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, वो इसमें जो है वो अप्लाई किया जाता है क्लस्टरिंग करने के लिए। इसके बाद हमारे पास पार्टिशनिंग क्लस्टरिंग है, ये नेक्स्ट कैटेगरी हमारे फोर्थ क्लस्टरिंग टेक्निक है हमारे पास, पार्टिशनिंग क्लस्टरिंग। पार्टिशनिंग क्लस्टरिंग जो है ये बेसिकली के मीन इस्तेमाल करती है, अभी देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर मेथड इन डाटा एनालिस्ट, तो ये आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से इस्तेमाल करते हैं, पार्टिशनिंग टेक्निक जो है इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हमने वेका के अंदर क्लस्टरिंग करके देखी है। इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट डाटा पॉइंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक बेस पे और डिस्टेंस की बेस पे उन्हें क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ क्लस्टरिंग पॉइंट्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्टेंस, क्लस्टर्स आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अच्छा, इसमें के मीन इस्तेमाल किया जाता है, बात ये कर रहे हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम खुद से जो है वो डिसाइड करते हैं। जिस तरह से हमने वेका में देखा था कि भाई वहां पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने आ रहे थे, दो क्लस्टर्स आ रहे थे, लेकिन हम बढ़ा भी सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, जितने क्लस्टर्स हम बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। के मीन्स एल्गोरिथम क्या है, के मीन्स एल्गोरिथम भी बेसिकली यही है, एक आइटरेटिव अप्रोच जो है ये इस्तेमाल करता है, के नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं
और हम खुद से डिफाइन करते हैं के की वैल्यू के इसमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमने बनाने हैं। ये देखें यहाँ पे क्लस्टर्स आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, दैट इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। एग्जांपल इज के मींस, के मींस की एग्जांपल है, के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट आर डिफाइंड बाई यूजर। तो यूजर डिफाइंड करता है के की वैल्यू, डिस्टेंस बेस्ड होता है, क्लस्टर्स आर डिफाइंड, तो डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन किए हुए होते हैं। और आइटरेटिव मेथड है ये, कि ये ऐसे नहीं है कि एक ही दफा में वो कर देता है, ये रिपीट करता है, आइट्रेशन करता है, लूप चलाता है, फिर ये डिसाइड करता है हर पॉइंट को उसके डिस्टेंस की बेस पे जो है वो साथ मिलाता रहता है, और एंड पे हमें फाइनल एक डिसीजन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इसके बाद सर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो कौन सी है, पाम, पार्टिशनिंग अराउंड मिडॉइड्स। तो ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल के मींस की तरह से काम करती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है के मींस में और इसमें। वो क्या है कि के मींस जो टेक्निक इस्तेमाल करती है वो सबसे पहले सेंट्रोइड्स बनाती है, यानी कि वो एवरेज डिस्टेंस को देख के, तो जो एवरेज डिस्टेंस पर सबसे जो सूटेबल होता है जो डाटा पॉइंट होता है उसे क्या कंसिडर कर लेती है, उसे सेंट्रोइड कंसिडर कर लेती है। फिर सेंट्रोइड जो है उसके साथ बाकी जो डाटा पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या करती रहती है, अटैच करती रहती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो खुद से डिफाइन किया हुआ होता है, यूजर डिफाइन करता है सेंट्रोइड को, तो के मींस जो है वो खुद से डिफाइन नहीं करती। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो मिडॉइड्स होते हैं ये डिसाइड किए जाते हैं, यूजर जो है वो डिफाइन करता है कि भाई ये वाले जो है ये डाटा पॉइंट्स जो है ये सेंट्रोइड्स हैं। क्या है, सिमिलर टू के मींस डिफरेंस इन सेंस डिफाइनिंग सेंट्रोइड, बिकॉज हियर सेंट्रोइड इज इनपुट फ्रॉम यूजर व्हाइल के मींस यूटिलाइज एवरेज डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग है। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होती है, इसमें जो डाटा पॉइंट्स हैं उन्हें एक ग्रिड की फॉर्म में, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जब टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो बेसिक जो बाकी सारे के सारे एल्गोरिदम से जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि भाई यहाँ पे जो डाटा पॉइंट्स के दरमियान में जो स्पेस है उसे ज्यादा जो है वो वैल्यूएबल समझा जाता है, उसकी कंप्यूटेशन की जाती है इंस्टेड ऑफ जो हमारा डाटा पॉइंट है इटसेल्फ। डाटा पॉइंट को जो है वो डाटा पॉइंट को वहां पे जो है वो कैलकुलेशन में नहीं लाया जाता, बल्कि डाटा पॉइंट के दरमियान में जो स्पेस है उसे यूटिलाइज किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए। इसे होता क्या है, इसका फायदा ये है कि भाई हमारी जो ओवरहेड है कंप्यूटेशन का वो हमारा बहुत कम हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाली टेक्निक जो है ये बेसिकली होमोजीनियस डाटा सेट्स जो है उस पर अप्लाई की जा सकती है। मैं एक दफा स्टडी करके यहाँ पे रीड करके आप बता देता हूँ। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अप्रोचेस टू द डाटा पॉइंट्स आर अरेंज इनटू अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग हियर इज द स्पेस बिटवीन द डाटा पॉइंट्स दैट इज कंप्यूटेड रैदर देन द डाटा पॉइंट्स देमसेल्व्स। रिड्यूस कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड डील विद होमोजीनियस डाटा सेट्स। तो इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, स्ट्रिंग इसकी एग्जाम्पल है, एल्गोरिथम वेव क्लस्टर इसकी एग्जाम्पल है, और क्लिक जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट ये एल्गोरिथम है हमारे पास जो कि ग्रिड बेस्ड कंप्यूटेशन पे जो है वो काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।